भगवान श्री हरि जब 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं तब उस समय पृथ्वी का भार कौन संभालता है? नंबर 1, देवशयनी एकादशी के 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आती है, यानी 4 दिन गुरुदेवों ने संभाल लिया। नंबर 2, गुरु पूर्णिमा के अगले दिन सावन लग जाता है, तब 1 महीनों के लिए भोलेनाथ संभालते हैं। नंबर 3, सावन के बाद 19 दिन का भाद्रपद लग जाता है, जिसे श्री कृष्ण संभालते हैं। नंबर 4, भाद्रपद के बाद फिर आती है गणेश चतुर्थी 10 दिनों के लिए, जिसे श्री गणेश जी संभालते हैं। नंबर 5, गणेश चतुर्थी के बाद 16 दिन का पितृपक्ष लगता है, जिसे पितृदेव संभालते हैं। नंबर 6, पितृपक्ष के अगले दिन नवरात्रि लग जाती है, जिसे माता रानी 10 दिनों के लिए संभालती है। नंबर 7, नवरात्रि के बाद आती है दिवाली, जिसे माँ लक्ष्मी अगले 10 दिन तक संभालती है। नंबर 8, सबसे आखिरी के 10 दिन कुबेर जी संभालते हैं। नंबर 9, और फिर आती है देवउठनी एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु जाग जाते हैं और वापस पृथ्वी का कार्यभार संभाल लेते हैं। आप किसी और भगवान को पत्थर पे बैठे हुए नहीं देखेंगे। विष्णु जी शेषनाग पे बैठे हैं, ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हैं, कोई मोर पे बैठा है, कोई स्वान पे बैठा है, कोई चूहे पे बैठा है, सिर्फ शिव है जो पत्थर पे बैठे हैं। तो पत्थर कहाँ होता है? पृथ्वी में। इसीलिए माना जाता है कि शिव धरती पे ही रहते, वो वैकुंठ धाम में जाके नहीं रहते। और शिव रहते कहाँ? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत क्या है? ऊंचाई, दूरी, शांति। पर्वत मतलब शांत, ठीक है, ठंडक। तो उनके अंदर वो शीतलता और वो ठंडक भी है, उनके अंदर वो ऊंचाई भी है, उनके अंदर भस्म के रूप में अंत भी है, उनके कंठ में पेशेंस भी है, उनके नंदी में इंतजार भी है। फिर आप त्रिपुण में तीसरा नेत्र, तो तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र वो है जो सब कुछ देख रहा है। और ये इतना शांत साधु किस्म का आदमी, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो त्रिशूल उठाता है। तो ऐसे नॉन वायलेंट है, मुस्कुरा के भोले भंडारी हैं, असुरों को भी वरदान दे देते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो फिर नाश भी कर देते। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है? आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं, आप हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान। सुनिए, घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है।